एल्विश यादव कल जब मुंबई आए तो वो पहुंचे सिद्धि विनायक दर्शन के लिए। जी हाँ, कल वो लैंड होते साथ पार्टी से पहले सिद्धि विनायक गए और अपने ब्लॉग में उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि मेरा काफी समय से मन था लेकिन मैं कभी जा नहीं पाया था और अब जब मुझे मौका मिला है तो मैं सिद्धि विनायक मंदिर जा रहा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और पहली बार यहाँ पर आकर मैं पहली बार आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कल थोड़ी ही देर के लिए आए थे एल्विश जो है पार्टी में, हालांकि सब यही बोल रहे थे कि 15-20 मिनट के लिए भी क्यों आना था उसे। तो वो आए, केक कटिंग की, पूजा भट्ट और बेबिका से मिले और निकल गया था। लेकिन उसके जल्दी निकलने का रीज़न भी जो है अब सामने आ चुका है, वो भी हम आपको बताएंगे हमारे अगले वीडियो में। लेकिन एक बात तो तय है कि जब एल्विश अब मुंबई में है तो कई प्रोजेक्ट्स के लिए वो लोगों से मीटिंग कर रहा है। उमंग में आज वो शामिल होने वाला है, जो उमंग फेस्टिवल है, उर्वशी और वो दोनों शामिल होने वाले हैं। तो अब कल जब सिद्धि विनायक गए तो वहाँ पर उसका जो है स्वागत किया गया और मंदिर के परिसर में ही शॉल पहनाकर, भगवान की मूर्ति देकर, हार पहनाकर उसको जो है स्वागत किया गया, उसका सम्मान किया गया। और उसके बाद जब उससे पूछा गया तो उसने बोला कि मैं पहली बार ही आया लेकिन मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। तो एक बात तो तय है कि अब एल्विश यादव का ये वीडियो जो है ब्लॉग से सामने आ रहा है, जिससे ये पता लग रहा है कि वो पहली बार जो है सिद्धि विनायक मंदिर गए। उनके मन में प्लान काफ़ी समय से रहा होगा और कल मुंबई में बारिश भी थी तो मौसम बहुत सुहाना था, तो वो कह भी रहा था कि यार मैंने ये मुंबई तो पहली बार देखी। तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जब बारिश वारिश होती है और यहाँ बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है तो मुझे लगता है कि एल्विश ने कल पहली बार मुंबई का ये मौसम एक्सपीरियंस किया होगा। और जो ब्रिज है, सीलिंग जो है, उसमें से ट्रैवल किया तो वो कह रहा था ये तो पूरा दुबई जैसा व्यू लगता है। तो मुंबई की इस खूबसूरती से शायद अनजान थे एल्विश, जो कल उन्होंने पहली बार एक्सपीरियंस की, तो उससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रेस नज़र आए।